नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, धर्मीज केक एंड बेक में आप सबका स्वागत है। आज हम बिगनर फ्रेंडली और बहुत ही इजी ब्लैक फॉरेस्ट केक के डेकोरेशन आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो बिगनर्स हैं, जो होम बेकर्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें केक बेक करने के लिए सबसे पहले टिन को रेडी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने यहाँ ओडी इको बेक पेपर ले लिया है, जो एकदम कन्वीनियंट है और हैसल फ्री है और इको फ्रेंडली भी है। तो हम इसे आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं, जिसमें हार्मफुल केमिकल्स या मेटल्स कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अब हमें यहाँ हाफ के जी के केक्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ 6 इंच का टिन ले लिया है, जिसे हम इस तरह से कटिंग्स करके और टिन में अच्छे से सेट कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, ताकि हमारा स्पॉन्ज ज़रा भी टिन पर चिपके ना या तो जले नहीं। अब दूसरी हाफ के जी केक के लिए मैंने यहाँ 5 इंच का टिन ले लिया है, वो हमें गनाश के साथ बनाना है, इसलिए हमने यहाँ 5 इंच का टिन यूज़ किया है। तो उसी तरह से हम ओडी को बेक्स के कटिंग लगा देंगे और टिन को अच्छे से कवर कर लेंगे। अब हम केक बैटर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ हाफ के जी का केक बनाना है, तो हमने 1 कप प्रीमिक्स ले लिया है, जिसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखेंगे कि बैटर में एक भी लम्स या गुठली ना रहे। अब हमारा केक बैटर एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हो गया है, तो अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और केक टिन में डाल देंगे। हम इस केक बैटर को प्रीहीटेड ओवन में 170 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए बेकिंग मोड पर रखेंगे। बैटर को टिन पर अच्छे से लेवल कर देंगे, ताकि हमारा केक स्पॉन्ज एकदम परफेक्ट बने। टिन को अच्छे से टैप भी कर लेंगे, ताकि एक भी एयर बबल्स ना रहे। अब हम इस केक टिन को बेक करने के लिए ओवन में रख देंगे। सेम मेजरमेंट से हम दूसरा केक बैटर भी बना लेंगे, लेकिन हम इस केक बैटर को 5 इंच के टिन में डालेंगे, क्योंकि हमें चॉकलेट गनाश के साथ केक बनाना है, इसलिए हमें केक थोड़ा छोटा चाहिए, ताकि हमारा परफेक्ट गनाश के साथ भी 500 ग्राम्स केक बने। हम केक टिन को भी प्रीहीटेड ओवन में 170 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे और बेकिंग मोड पर रखेंगे, ताकि हमारा केक स्पॉन्ज अच्छे से बेक हो जाए। हमारा 5 इंच टिन वाला केक सबसे पहले रेडी हो गया था, तो उसको हमने 2 घंटे के लिए ठंडा कर लिया था, फिर डिमोल्ड कर लिया था और 2 लेयर्स में उसकी कटिंग कर ली थी। अब हम इस स्पॉन्ज को अच्छे से सोक कर रहे हैं। अब हम विप क्रीम ऐड करेंगे, क्योंकि हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ चॉप चेरीज भी ऐड करेंगे और डार्क चॉकलेट चिप्स भी ऐड करेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है, तो आप यहाँ डार्क चॉकलेट कंपाउंड के टुकड़े भी डाल सकते हो, या तो फिर ग्रेटेड डार्क चॉकलेट भी आप डाल सकते हो। इसी तरह से हम दोनों केक की फ्रॉस्टिंग कर लेंगे और क्रम कोटिंग भी कर लेंगे, और दोनों केक को हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसकी फाइनल आइसिंग और डेकोरेशन करेंगे। हमारा जो छोटा वाला केक है, उसे हमें गनाश से कवर करना है, इसलिए हमने विप क्रीम से कवर नहीं किया है, वरना केक का वज़न बढ़ सकता है। और हमने यहाँ डेकोरेशन के लिए नूर का लीफ नोज़ल ले लिया है, जिसमें हमने फ्रॉस्टिंग वाला गनाश यूज़ किया है, जिसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर पोस्ट कर दी है, तो आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हो। और इस तरह से हम गनाश से लाइनिंग्स बनाते जाएंगे और पूरी केक को कवर करेंगे।
हम यहाँ पाइपिंग बैग को भी केक के पैरेलल रख के इस तरह से ऊपर खींच रहे हैं और इस तरह से पूरी केक को गनाश से कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन एकदम बिगनर फ्रेंडली है क्योंकि नोज़ल भी आसानी से मिल जाती है और ये टेक्निक करना बहुत ही आसान है, इसलिए आप भी ये टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साइड से हमारा केक एकदम रेडी है। अब हम ऊपर भी रोजेट्स बना लेंगे और अच्छे से केक का फाइनल फिनिशिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ 1 mm टिप ले ली है जिसमें हमने सिंपल विपक्रम भर लिया है और इससे हम केक पर रोजेट्स बना लेंगे। और हम यहाँ अल्टरनेट रोजेट्स बनाने वाले हैं, यानी एक व्हिप क्रीम का रोजेट, एक गनाश का रोजेट। तो इसके लिए हमने यहाँ सबसे पहले ये व्हिप क्रीम के रोजेट्स बना लिए हैं, उसके बाद जो बीच में खाली जगह बची है हम उसमें गनाश वाले रोजेट्स बनाएंगे। अब हम हर एक रोजेट्स पर चेरी रख देंगे और बीच में जो खाली जगह बची है उसमें भी हम चॉको चिप्स ऐड करेंगे और उधर भी बीच में हम चेरी रख देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ इस टेक्निक में फाइनल फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो जो बिगनर्स है उनके लिए बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि फिनिशिंग की यहाँ कोई भी झंझट नहीं है। आप आसानी से गनाश से पूरी केक को कवर कर सकते हो और रोजेट्स बनाना तो बहुत ही आसान है। तो आप भी ये इजी टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डेकोरेशन टेक्निक कैसी लगी। तो हमारी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी ब्लैक फॉरेस्ट केक रेडी है। अब हम दूसरी केक बना लेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ नियॉन ब्राइट पर्पल कलर ले लिया है जिसको हम व्हिप क्रीम में ऐड करेंगे और इससे हम पूरी केक को कवर करेंगे। अब हम इसी क्रीम से पूरी केक को अच्छे से कवर कर लेंगे और हमारा फाइनल फिनिशिंग भी कर लेंगे। अब हमारी केक का फाइनल फिनिशिंग हो गया है। अब हम बोर्ड को क्लीन कर देंगे और केक को डेकोरेट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पाइपिंग बैग में गनाश ले लिया है जिसके हम इस तरह से ड्रिप्स बना लेंगे। और ड्रिप वाला गनाश कैसे बनाना है उसकी भी रेसिपी हमने हमारी चैनल पर डाली है, तो आप हमारी चैनल पर चेक कर सकते हो। अब हमने यहाँ सेम कलर की व्हिप क्रीम को यूज़ करके वन साइड पर रोजेट से कवर कर लिया है और उसके लिए हमने यहाँ 1 mm नोजल टिप यूज़ की हुई है। अब हमने यहाँ इस तरह के चॉकलेट डेकोरेशंस लगा दिए हैं, एक ऊपर लगाया है और एक हम साइड पर इस तरह से स्टिक कर देंगे। मैंने दोनों चॉकलेट डेकोरेशन को गोल्डन डस्ट से इस तरह से पेंट कर लिया था। अब हम सिल्वर बॉल्स को रोजेट्स पर रख देंगे ताकि हमारी केक और भी ब्यूटीफुल लगे। अब हमारी जो केक पर खाली जगह बची है उसे हम चॉकलेट चिप से कवर कर लेंगे। अब हम चॉको चिप्स पर भी इस तरह से गोल्डन पेंट करेंगे और हमारी केक रेडी हो गई है। तो आपको ये हमारे दो केक डेकोरेशन आइडियाज़ कैसे लगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।